कि हमारे द्वारा जो हम लोग एक टारगेट बना के रखा है कि हम लोग मास्टर करेंगे, उसके बाद जॉब होगी, नौकरी होगी, उसके बाद पैसे होंगे, इसलिए भी कोई ज्वाइन करेंगे। आजकल के एजुकेटेड लोग इतने करप्ट लोग मैंने देखे हैं इसी मुआशरे में, जो गरीबों के कपड़े उठा देते हैं करप्शन में। क्या इसको इल्म कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इल्म सिखाया था हमें कि आप अपने इल्म में आप मास्टर बने, पुत्र ले और फिर लोगों में करप्शन कर ले, गरीबों पे जुल्म करें, कातिल बन जाओ, एक लालच की दुनिया में आप किसी को कत्ल करो, एक जालिम बन जाओ, एक धोखेबाज बन जाओ। हमें इल्म सीखना चाहिए। मेरा ये एक पॉइंट था पास्टर के स्टूडेंट्स के लिए, क्वालिफिकेशन के मास्टर की डिग्री आई। मेरा एक मैसेज है आप सबके लिए, एजुकेशन जो एजुकेटेड होते हैं, मैंने देखी है अनएजुकेटेड के घर में, एजुकेटेड के घर में, जो अनएजुकेटेड होते हैं उनके घरों में ना सुकून होता है, ना राहत होता है, कुछ भी नहीं होता, सारा माशरा उन लोगों से खराब होता है। कुछ ऐसे मास्टर के स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब के खातिर वो लोग कहीं और चले जाते हैं। बेशक अल्लाह पाक ने किसी के रिस्क लाजमी नहीं है कि कोई मास्टर के लिए उसकी रिस्क को रोजी दी तो एजुकेशन में हो, किसी का नसीब बिजनेस में होता है, किसी और चीज में होता है। लेकिन मेरी एक एडवाइस भी है मास्टर के स्टूडेंट के लिए कि प्लीज आप एजुकेशन के साथ टच रहिए, आप लोगों के घर में एजुकेशन का माहौल होगा, हमारे बच्चों को हम लोग आज इलम उसको हासिल कर रहे हैं, उसको इलम दे रहे हैं, उसको तबियत सही कर रहे हैं। अगर हम बड़े किसी घर के बड़े एजुकेटेड हो तो उस घर में इलम का माहौल होता है, उनके बच्चे ऑटोमेटिकली उनके लिए इलम का माहौल पैदा हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली बहुत ही बेहतर तरीके से उनकी तबियत हो जाती है, सीख जाते हैं। अलविदा कहते हैं कि हमें बेस्ट ऑफ लक पूरी हो।